गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, चैप्टर सिक्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब आपको डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है आपको। फर्स्ट दे रखा है 30 एंड 50, ठीक है, इसका हम निकालते हैं 30 एंड 50। फर्स्ट ऑफ टू लिया, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, अगेन 5 लिया, 5 3 15, 5 5 25। यहाँ तक तो हमारे पास कॉमन आ गए थे, पर अब आगे हमारे पास कॉमन नहीं आ रहे, बिकॉज अब ये या तो 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, और ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर लिखते हैं, cannot be divided further as they do not have a common factor. Product of common factors is equal to 2 multiply 5, 2 5 10. सो हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 10। This is answer. इसी का बी पार्ट देखते हैं, 9 and 24, 9 and 24, दोनों केवल 3 के टेबल से ज्यादा, 3 3 9, 3 8 24, आगे डिवाइड नहीं हो रहे, सो हम आंसर लिखेंगे। मैंने हम लिखते हैं कैन नॉट बी divided further as they do not have a common factor. So common factor क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर आया हमारा 3, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम पे कितना आएगा हमारा 3। दिस इज आंसर। इसका सी पार्ट 28 एंड 35, 28 एंड 35, 7 4 28, 7 5 35, अगेन वही, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर as they do not have a common factor. So हमारा common factor क्या आया, common factor आया हमारा केवल 7। So एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 7। This is आंसर। इसका डी पार्ट 98 एंड 96, 2 4 8, 2 9 8, 2 4 8, 2 9 18,
टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड, फर्दर एज दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, सो हमारा कॉमन फैक्टर है कॉमन फैक्टर है हमारा टू, देन एस सी एफ, एस सी एफ कितना है हमारा टू, दिस इज आंसर। ई एफ जी एच पार्ट आपको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द एस सी एफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड से इफ दे आर को प्राइम्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इसको हम निकालते हैं 15, 3 5 से 15, देन 5 पंजा 5, 30 का निकालते हैं 2 पंजा 2, 2 5 से 10, 3 5 से 15, 5 पंजा 5। सो हमारा 15 एंड 30, 15 का है हमारा 3 इंटू 5 और 30 का है हमारा 3 इंटू 5, इसको बाद में लिख देते हैं 2, ठीक है। ये हमारा देखिए कॉमन हो रहा है, सो एस सी एफ ऑफ 15 एंड 30 इज इक्वल टू, कॉमन हमारा क्या है 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, फाइनल आंसर लिखते हैं। दिस नंबर्स आर नॉट को प्राइम, ठीक है, ये नंबर हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। इसका बी पार्ट 13 एंड 18, 13 का तो 13 टेबल्स आएगा, 13 इंटू 13, 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, 13 एंड 18, तो 13 का तो आया हमारा केवल 13 और 18 का आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एस सी एफ ऑफ 13 एंड 18, 13 और 18 का एस सी एफ क्या आया ओनली फॉर 1, केवल 1 ही कॉमन आ रहा है हमारे पास, सो फाइनल आंसर लिखते हैं। सो दीज नंबर आर को प्राइम नंबर, दिस इज आंसर। इसका सी पार्ट 17 एंड 34, 17, 17 हो जाए 17, देन 34 का 2 बन जाए 2, 2 7 जाए 14, देन 17, 17 बन जाए 17, सो 17 एंड 34, 17 का तो आया हमारे पास 17 एंड 34 का आ रहा हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 2, SCF of 17 and 34, 17 और 34 का SCF निकालना है तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 17, तो ये आ गया 17, फाइनल आंसर लिखते हैं।
सीन्स दिस नंबर हैव अ कॉमन फैक्टर एज 17 एक्सेप्ट 1. So these number are not co-prime. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. इसका डी पार्ट 25 and 27. 25 देन 5 बन जा 5, 27 का निकालते हैं, 3 9 27, 3 3 9, देन 3 1 3. सो 25 देन 27, 25 का तो आया 25, ठीक है, सॉरी 5 into 5, और 27 का आ गया 3 multiply 3 multiply 3. LCM of 25 and 27, ठीक है, इनका LCM क्या आ जाएगा फिर 1, सिंस LCM of the given number is 1. So these number are co-prime. इसका डी पार्ट कंप्लीट. इसके जो बाकी के पार्ट है ए एफ जी एच आपको ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड. अब आपको फैक्टर्स करने पर ट्री मेथड के थ्रू. फर्स्ट ऑफ दे रखा है 30. सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, 30 का फैक्टर करते हैं. तो 30 का फैक्टर्स क्या आता है हमारे पास? एक तो आता है 2 into 15, ठीक है, और दूसरा फैक्टर्स क्या आता है हमारे पास? 3 into 10. ये दो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 30 के, 2 into 15 and 3 into 10. थर्टी इज फैक्टराइज इंटू 1 prime and composite factor. तो 30 का फैक्टर्स क्या हो गया हमारे पास? 30 के हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 multiply 3 multiply 5, 2 3 6 6 5 30. That is factorized into prime factors only. यह हो गया हमारा आंसर.
इसका बी पार्ट 63 63 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? 3 × 3 × 7 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63 सो 63 इज फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स ओनली। अब इसका सी पार्ट 56 56 सो 56 के हमारे पास दो आ सकते हैं, फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं 56 को 2 × 28 और दूसरा लिख सकते हैं 7 × 8 बिकॉज 28 × 56 एंड 7 × 8 = 56 56 इज फैक्टराइज्ड इनटू 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट फैक्टर। सो 56 56 का हमारे पास फैक्टर आया 2 × 2 × 7 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 56 56 is factorized into prime factors only. This is answer. इसके बाकी के 3 parts आपको try करेंगे। इसी के साथ हमारी exercise 6E complete होती है।